हाय गाइस, किरण लर्नर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दिस इज एस का भास्कर फॉर यू। रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन की वैकेंसी आ गई है, इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 62,907 कुल पोस्ट है। इसकी एज ग्रुप जो है वो 18 साल से 33 साल है, एज क्वालिफिकेशन इसको बोले। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसकी 10वीं पास होनी जरूरी है। लास्ट क्लोजिंग डेट इसकी 31 मार्च 2018 है। इसकी टेंटेटिव डेट जो है यह है अप्रैल से लेकर के मई तक 2018, अप्रैल से लेकर के और मई के बीच में आपको डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में ये एग्जामिनेशन होगी। फिर इसका एग्जामिनेशन जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और फॉर्म भी आपको ऑनलाइन ही भरना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे। टाइम इसके लिए 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटा आपके लिए दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, इट मीन्स अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन आपका सही सही काट लिया जाएगा। इस नेगेटिव मार्किंग में नॉर्मलाइजेशन भी है, नॉर्मलाइजेशन पर आप ध्यान रखेंगे। नॉर्मलाइजेशन इसलिए लाया गया है, जैसे पिछले अनुभवों को देखते हुए देखा गया है कि इस बार भी नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना है कि अगर आप मान लीजिए कि इजी पेपर दे रहे हो, दूसरे कुछ लोग हो सकता है कि टफ पेपर दे रहे होंगे, तो दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन की जरूरत है। तो नॉर्मलाइजेशन में आप जितना कम क्वेश्चन गलत करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कम क्वेश्चन ही गलत करने की ज्यादातर परंपरा रही है। 100 क्वेश्चन में से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके, साइंस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। रही बात की ये क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको मैं पिछले जो 2 एग्जामिनेशन हुआ उसका मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूं कि 21 फरवरी 2016 को जो एग्जामिनेशन हुआ था ग्रुप डी वाला, उस एग्जामिनेशन में जीके का पोर्शन जो था वो टोटल 26 क्वेश्चन था। उसके बाद फिर जो साइंस का पोर्शन था उसमें लगभग 14 क्वेश्चन यानी टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए, रीजनिंग 40 क्वेश्चन पूछे गए और मैथ्स उसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए। फिर उसके बाद 23 तारीख को एग्जाम हुआ, 23 फरवरी 2016, उस एग्जामिनेशन में जीके का क्वेश्चन था 33 क्वेश्चन, फिर उसके बाद 7 क्वेश्चन आपका साइंस का था और 27 क्वेश्चन रीजनिंग और 33 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का था। यानी मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि जीके में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो लगभग 30 के आसपास यानी 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस का क्वेश्चन जो पूछेगा वो 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग जो आएगा तो 30 से 40 इसको आप मान लीजिए और मैथमेटिक्स जो आएगा वो 30 से 35 आप मान लीजिए। यानी ओवरऑल आप अगर ये सोच करके चले तो 60 से 65% क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग यानी ये 2 टेक्निकल पोर्शन से आपके आएंगे, बाकी के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके जीके और साइंस के पोर्शन से आएंगे। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसको आंसर देने का मेथड आप समझ लीजिए कि कैसे हो सकता है। पिछले कुछ अनुभवों को आधार मान करके अगर हम चले 2016 में जो एग्जाम हुआ या एनटीपीसी एग्जाम जो हुआ उसको अगर हम आधार मान करके चले तो देखिए क्वेश्चन उसमें पूछा कैसे गया। जैसे मान लीजिए कि भारत की राजधानी पूछा गया कि कहां पे है और दिल्ली है आपको पता है, और ऑप्शन में आपको दे दिया, ऑप्शन ए दे दिया कि दिल्ली है, ऑप्शन बी दे दिया मुंबई है, ऑप्शन सी दे दिया कोलकाता है और ऑप्शन डी दे दिया चेन्नई है। आपको पता है कि ऑप्शन ए यानी यहां पर दिल्ली ऑप्शन सही है, लेकिन उसमें एग्जामिनेशन में यह था कि 1, 2, 3, 4 करके 4 ऑप्शन थे और मान लीजिए कोई जरूरी नहीं है कि 1 में ए होगा और बी में 2 में बी होगा, हो सकता है कि ये जो ऑप्शन ए है वो आपके डी ऑप्शन 4th ऑप्शन में होगा। तो इस हिसाब से अगर आपका आंसर ए होता है यानी दिल्ली होता है तो आपका आंसर यहां पर क्वेश्चन 4 हो जाएगा यानी 4 में यहां पर ऑप्शन ए है, इस प्रकार ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए जो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन सा बुक पढ़ें, तो डेफिनेटली किरण पब्लिकेशन की तरफ से आपको विभिन्न बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं कि कौन कौन सा बुक आपको पढ़ लेना चाहिए। जो पहला बुक है वो है सामान्य ज्ञान, जो कि सामान्य ज्ञान एनसीईआरटी पर आधारित है, यानी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बुक्स पढ़ लीजिए काफी है, उतना ही से आपका काम चल जाएगा। जो दूसरा बुक है वो है ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ भौतिक विज्ञान, उस भौतिक विज्ञान को भी आप पढ़िए क्योंकि उस बुक में पिछले जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे के वो सारे हैं, तो क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता चलता चलेगा। तीसरा जो बुक मैं बता रहा हूं वो बुक है वस्तुनिष्ठ रसायन विज्ञान, उस रसायन विज्ञान को भी पढ़िए क्योंकि विज्ञान का पोर्शन तो इसमें रहेगा ही और विज्ञान के अलग अलग जो रसायन के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस प्रकार आएंगे वो आपको उसमें मिल जाएगा। जो अगला बुक मैं बता रहा हूं वो है वस्तुनिष्ठ जीव विज्ञान,
जो जीव विज्ञान है उसमें भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले, वो सब उसमें संकलित किया गया है जो आपको काफी हेल्पफुल करेगा। सामान्य विज्ञान भी बहुत अच्छी बुक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन के रूप में है, ये रेलवे के काफी क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद वन लाइनर के रूप में ये सामान्य विज्ञान भी एक अलग बुक है, उस बुक को भी आप पढ़िए, काफी हेल्पफुल है ये बुक और ये आपको क्वेश्चन समझने में काफी सहायता करेगा, घर बैठे बैठे भी आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। अगला जो वो बुक है वो है ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट, जिसमें 27 टेस्ट है और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, घर पे बैठे बैठे आप चाहे तो खुद ही टेस्ट दे सकते हैं, ये काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट बुक जो है वो ग्रुप डी सॉल्ट पेपर, जो 2003 से लेकर के 2016 तक इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 113 सेट्स इसमें है, इस बुक को भी सॉल्व करना या पढ़ना काफी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, इस बुक को आप जरूर पढ़ें। फिर इसके बाद चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स भी आपको बहुत ही हेल्प करने वाला बुक है कि इसमें मैथमेटिक्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं उस क्वेश्चन को आप घर बैठे सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट बुक है जो चैप्टर वाइज तर्क शक्ति यानी रीजनिंग की बुक है, उसमें भी प्रीवियस क्वेश्चंस है जो पीछे पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिए घर बैठे बैठे, काफी हेल्पफुल है ये बुक। नेक्स्ट बुक जो है वो है सामान्य ज्ञान पॉइंटर, यानी कि सामान्य ज्ञान को पॉइंट के रूप में लिख दिया गया है, यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट के रूप में आपको याद करने की भी जरूरत उसमें आपको लगेगा कि कैसे याद करें इस क्वेश्चन सबको, तो आप एक टारगेट करके भी इसको आप कर सकते हैं कि एक दिन में हम 50 पॉइंट ही याद करेंगे, तो सामान्य ज्ञान पॉइंटर वहां पर आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, तो इस बुक को भी आप ले लेंगे। इन बुक्स के अलावा किरण लर्नर्स एकेडमी आपकी कैसे मदद कर सकता है, तो आइए इस पर हम प्रकाश डालें। वीडियो क्लासेस के द्वारा आपकी मदद हो सकती है और ये वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगी कहाँ, इसके लिए आपको किरण ऑनलाइन प्रिपेयर एक ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, इस पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो हमारी तरफ से होंगी, वो मैथमेटिक्स का हो या रीजनिंग का हो या फिर जीके या साइंस से रिलेटेड जो भी हो, सारे वीडियो आपको इस पर मिलेंगे और इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो समय समय पर जो अपडेशन है वो अपडेशन आपको मिलता रहे, नए नए वीडियोज आपको मिलता रहे और लाइक भी कर सकते हैं इसको। अब रही बात कि इस सभी वीडियोस में या फिर हो सकता है कि जो बुक हमने आपको नाम बताया इस बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि ये क्वेश्चन फलाना क्वेश्चन मान लीजिए आपसे नहीं बन रहा है तो उस क्वेश्चन को आखिर बनाएंगे कैसे, तो नीचे दिए गए ईमेल पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस जब हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे 10 या 15 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे तो उन सभी क्वेश्चन का हम लोग एक वीडियो बना लेंगे और वीडियो के रूप में वो आप लोग को उपलब्ध करा देंगे कि वो क्वेश्चन में आपको जो प्रॉब्लम हो रही थी वो कहाँ हो रही थी और क्यों हो रही थी वो सारा आपको अपडेशन मिल जाएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, उस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड्स कैसे हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में लिखा कि एम ने एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष के लिया, यानी एक निश्चित राशि है यहाँ पर, यानी सम मनी लिया गया, एम बोरोड सम मनी फॉर वन ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बट द इंटरेस्ट रेट वॉज इंक्रीज्ड टू 2% विच अमाउंट टू 120, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। यानी इसमें लिखा गया कि अगर एक कोई एम कोई आदमी है जो कुछ धनराशि उधार पर लेता है और एक वर्ष के लिए लेता है और उसकी ब्याज की दर 2% हो, तो बोलता है कि इसके फलस्वरूप ब्याज कितना रुपए देना पड़ रहा है उसको, 120 रुपए देना पड़ रहा है, तो मूलधन की राशि क्या होगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, देखिए क्वेश्चन है यहाँ 2% और यहाँ ब्याज है 120, इसका मतलब ये 2% जो हो गया ये 120 हुआ, तो 1% जो होगा ये 60 होगा, आधा होगा, तो 100% जो होगा वो मूलधन, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 6000, यानी 6000 इसका मूलधन होगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी किस में है, ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यह एक वर्ष के लिए दिया गया। अब इस क्वेश्चन को समझिए कि ये क्वेश्चन आपने बनाना इसे बनाएंगे कैसे, यानी इस तरह से आपने जल्दी जल्दी इसको कैसे बना लिया। तो अब क्वेश्चन पे आइए, देखिए बोला कि एक वर्ष है और 2% उसका यहाँ पर रेट है और ब्याज कितना मिल रहा है 120। तो जब हम फॉर्मूला निकालते हैं इसका, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT और बाय में 100, तो सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपया होता है और प्रिंसिपल आपको निकालना है
और रेट आपका 2% है और समय है 1 साल. जब भी 1 साल का होगा तो इस तरह से लगाते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट हम 1 साल को इग्नोर ही कर देते हैं, डायरेक्ट हम परसेंटेज मेथड पे चले जाते हैं कि पी का कितना प्रतिशत हो गया, 120, 2% हो गया, क्योंकि 2/100 हो गया. इसीलिए इस चीज को हमने डायरेक्ट लिख लिया कि पी का 2% यही है 120, यानी ये 120, यानी डायरेक्ट हम 2% लिख दें 120, तो इसका मतलब 100% जो होगा ये हो गया हमारा 6000. तभी हमने यहां पर लिख दिया कि 6000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, ए टेप कैन फिल ए टैंक इन 50 मिनट्स. इफ द टैंक हैज ए लीकेज विच एलोन हैज टू कैपेसिटी टू एम्प्टी द फुल टैंक इन 150 मिनट्स, देन टैंक विल नाउ फिल्ड इन. बोला इसमें क्वेश्चन कि एक नल एक खाली टंकी को 50 मिनट में भर सकता है, और एक टंकी में एक छिद्र हो तो भरी टंकी को जो 150 मिनट में खाली कर सकता है. तो टंकी अब कितने समय में भरेगी, यानी कि अब नीचे खाली भी हो रही है और भर भी रही है, दोनों काम हो रहा है, तो कैसे भरेगी. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, आ जाइए यहां पर देखिए, ये 50 है भरने वाला, 150 है खाली करने वाला, दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं. दोनों का एलसीएम हो गया 150, 50 से डिवाइड किया तो ये हो गया 3, इसे डिवाइड किया हो गया तो 1. अब इसमें हम इससे माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहां पर ये खाली कर रहा है, तो टाइम जो लगेगा वो 150 और बाई में 2, यानी ये 75. 75 का मतलब हुआ 1 घंटा और 15 मिनट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी है ऑप्शन फर्स्ट में, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. कैसे हो गया, समझ में आया आपको कि ये 50 मिनट में भर रहा था और ये 150 मिनट में इसको खाली कर रहा था, यानी ये माइनस वाला पोर्शन है. तो दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, यानी 150, 50 से हमने 150 में डिवाइड किया तो 3, और 150 से 150 में डिवाइड किया तो 1. अब जब खाली करेगा तो वो माइनस करेगा, भरने वाला प्लस होगा, तो 3 में से 1 हमने माइनस कर लिया, यानी 2, और भरना कितना है टोटल 150, यानी टाइम जो लगेगा 150 में 2 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 75 मिनट यहां पर लगेगा. 75 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 15 मिनट, इसलिए हमने 1 घंटा 15 मिनट इसको लिख दिया. इसका मतलब ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी है ऑप्शन एक में, यानी ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा. इस पूरे डाटा का रेंज आपको निकालने के लिए बोला गया है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग, तो रेंज, रेंज बराबर ये हो जाएगा 9 - 3, यानी 6, ये इसका करेक्ट होगा, 6 हो गया सी में, इसका मतलब ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी अगर आपको मिल जाए तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर जो पूरा नंबर दिया गया है, इस पूरे नंबर में जो सबसे बड़ी अंक है, सबसे बड़ी अंक यहाँ पर क्या है, 9 है, चाहे जितना भी देख लीजिए वो 9 है. 9 में से सबसे छोटी अंक, सबसे छोटी कौन सी है, यहाँ पर 3 है, तो 9 में से जब 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 6, यानी यही इसका परास, यानी यही इसका रेंज हो जाएगा, यानी 9 - 3 = 6, यानी 6 है सी में, यानी ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच वन डिवाइडिंग 391 एंड 318 लिव्स रिमाइंडर 7 and 6 रिस्पेक्टिवली. क्वेश्चन बोला कि सबसे बड़ी संख्या आपको निकालना है जिससे 391 को और 318 को भाग देंगे तो क्रमशः शेषफल आएगा 7 और 6. तो ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, सबसे पहले देखिए 391 में से हमने 7 माइनस कर दिया तो 384 हो गया, उसके बाद 318 में से 6 माइनस कर दिया तो 312 हुआ, 312 से 384 में डिवाइड करेंगे तो 1 से होगा 312, ये होगा 72, 312 में डिवाइड किया तो ये कटेगा 288 से, तो ये हो गया 24, यानी 72 तो 3 से ये कटेगा 0, तो ये हो गया आंसर 24, यानी कि 24, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा. तो इसको बनाएंगे कैसे कि जो आपका नंबर दिया गया 391 और 318, इसमें जो रिमाइंडर है सबसे पहले उस रिमाइंडर यानी शेषफल को आप घटा लीजिए, तो घटा करके 1 हो गया 384,
एक को घटा दिया, छः घटा दिया 318 में से, तो ये हो गया 312। अब 312 से हम 384 में डिवाइड करेंगे तो यह एक टाइम लगा 312, रिमाइंडर आया 72, और जो अब रिमाइंडर था वही डिवाइजर हो जाएगा। और किसका डिवाइजर, जो जो यहाँ डिवाइजर था वो डिविडेंड होगा। अब तो डिविडेंड आप 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 288, 312 में से 288 घटा तो ये 24। अब 24 से डिवाइड करेंगे इस 72 में तो 24 या 72, शेषफल हो गया 0। जैसे ही शेषफल 0 हो गया, इसका मतलब जो डिवाइड देने की प्रक्रिया थी वो खत्म हो गई। यानी अब जो लास्ट डिवाइजर होगा वही आपका HCF होगा। और पूछा है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, यानी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या यही 24 होगी जो उस दोनों को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 7 और 6 आएगा। यानी 24 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी है ऑप्शन एक में, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, RS 3105 इज ड्यू टू बी डिवाइडेड अमंग KL and M इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2/3, 3/4 एंड 1/2 रेस्पेक्टिवली, हाउ मच विल एल गेट, यानी एल को कितना मिलेगा। यानी 3105 रुपए को के एल और एम के बीच में क्रम से डिवाइड करना है। तो अब ये बताना है कि अगर 2/3, 3/4 और 1/2 के अनुपात में विभाजित करना है तो एल को कितनी राशि मिलेगी, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे बनाएंगे, 2/3, 3/4, 1/2, इसको हम लोग लिखेंगे 16:18 और 12। इसका मतलब सबको जोड़ा तो 46, 46 का मतलब हुआ 31.05, 1 यूनिट का मतलब हुआ 67.5। इस तरह से 18 यूनिट बराबर हो जाएगा यह 12×15, यानी ये 1215। इसका मतलब सी, यानी ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हमने बनाया कैसे, इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन लिखा कि 2/3, 3/4 और 1/2 के अनुपात में इसे विभाजित करना था और L को कितनी राशि मिलेगी ये आपसे बताना पूछ रहा है। तो जो अनुपात था, सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको बिना फ्रैक्शन वाले अनुपात के रूप में हमने कैलकुलेशन कर लिया। तो इस 2 को इस 4 और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 4×8, 8×16, तो 16 लिख दिया। उसके बाद 3 के नीचे क्या है, 4 है, तो 4 को छोड़ के आप मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 3×2 6, और 6 को 3 से गुना किया 18, तो 18 हो गया। और 1 के नीचे 2 है, 2 को आप छोड़ दीजिए, तो 3×4 ये हो गया 12। 12×18 जोड़ा तो 30, 30 और 16 46, यानी 46 यूनिट बराबर टोटल हो गया 31.05। तो 1 यूनिट बराबर हुआ 67.5, तो 18 यूनिट कितना हुआ, यानी अगर इसी को 18 से गुना कर देंगे तो 18 से गुना करने पर आ रहा है 12.15, यानी 12.15 ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया कि रूट 0.2 × 0.2 × 0.2, ये 3 बार है, 0.06 भी 3 बार मल्टीप्लाई है, और यह डिवाइड किया जाता है कितने से, 0.12, यानी इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसका सॉल्यूशन अब कैसे होगा, ये देखिए, ये 12 है, 12, 6×12, यानी सब कटेगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, डिसिमल के बाद 2 डिजिट, वहां डिसिमल के बाद है, तो फाइनली यह 0.001, यानी बी किस में है, ऑप्शन 4 में, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ है ये क्वेश्चन, कैसे ये हम लोगों ने बनाया इसको, तो इस पर हम लोग आ जाते हैं, चर्चा करते हैं कि कैसे ये बना। तो देखिए ऊपर लिखा गया 2 और 6, डिसिमल भूल जाइए कि भी डिसिमल कितने दिए गए, तो 6×12, 6×12, 6×12, ये कितनी बार है, 3 बार दिया गया। नीचे भी 12 3 बार है, 12 से 12 कट गया। अब यहां ध्यान देखेंगे कि नीचे डिसिमल के बाद 2 डिजिट है, फिर डिसिमल के बाद 2 डिजिट है, डिसिमल के बाद फिर 2 डिजिट है, यानी फाइनली 6 डिजिट है। यहां भी डिसिमल के बाद 2 डिजिट, यहां भी डिसिमल के बाद 2 डिजिट, यहां भी डिसिमल के बाद 2 डिजिट, तो ये पूरा दोनों कैंसिल हो गया, बचेगा वो 0.2, 0.2, 0.2, यानी डिसिमल के बाद 1 डिजिट कितनी बार है, 3 बार, तो इसलिए डिसिमल के बाद 3 डिजिट डायरेक्ट लिखेंगे। आंसर तो 1 आया था, लेकिन 1 को हमें डिसिमल के रूप में लिखना है, तो डिसिमल के बाद 2 डिजिट नहीं है कुछ भी, तो 0 लगाना पड़ेगा, इसलिए डिसिमल यानी 0.2 उसके बाद 0 पॉइंट के बाद 001, यानी ये ऑप्शन 2, यानी कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज डिफरेंस बिटवीन एम एंड आर इज द सेम एज दैट बिटवीन पी एंड एम, एम इज ओल्डर टू पी बट यंगर टू आर, मतलब यहाँ M और R की उम्रों का अंतर P और M के उम्र के अंतर के बराबर है।
एम यहां पी से बड़ा है, उसके बाद लेकिन आर से यह छोटा है। तो अब क्वेश्चन ये बोला कि आर और पी के जो एज है उनका योगफल यानी सम 66 66 वर्ष है, तो एम की आयु कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसे हम क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एम माइनस पी ये हो जाएगा 2m बराबर पी प्लस आर, तो 2m बराबर ये हो गया 66, तो m बराबर हो गया यहां पर 33। 33 है किसमें, ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हमने बनाया कैसे ये ध्यान दीजिए आप, इसको जल्दी जल्दी में बनाना था। क्वेश्चन बोला कि पी एम जो है पी से बड़ा है, तो एम में से ही पी माइनस करना पड़ेगा, और उसके बाद बोला कि एम और पी की आयु का अंतर किसके अंतर के बराबर है, एम और आर। तो अब बोला लेकिन आर से छोटा है, तो आर में से एम घटेगा, तो आर में से एम घटा दिया। तो अब राइट साइड में जाएगा तो एम प्लस एम मिल करके हो गया 2m, पी जब राइट साइड में जाएगा तो आर के साथ प्लस होके हो गया पी प्लस आर, और बोला कि पी और आर का जो मतलब आयु का योगफल है सम है ये दिया 66 इयर्स, देयरफॉर 2m इज इक्वल टू 66 इयर्स, तो m इज इक्वल टू 33। इट मींस द एज ऑफ m विल बी 33 इयर्स, इट मींस ऑप्शन सी बिलोंग्स टू 1, देयरफॉर ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्रैक्शन अमंग, चार फ्रैक्शन दे दिया गया, उसमें से कोई एक फ्रैक्शन है जो छोटी है। अब ये पूछा है कि सबसे छोटी भिन्न इसमें कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न कैसे निकलेगा, देखिए ये 20 हो गया, ये 24 हो गया, यानी ये छोटी हो गया, 16 पंचे 80 यानी ये छोटी हो गया, और 12 पंचे 60, 8 सत्य 56 यानी ये छोटी है, 7/2 यानी डी, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट, आप ये सोच रहे होंगे कि ऑप्शन फर्स्ट कैसे आंसर हो गया, तो पहले ये समझिए कि 5/8, इसको 3/4, 13/16 और 7/12, ये टोटल फ्रैक्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। इन सभी फ्रैक्शंस में इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 5 और 4 का मल्टीप्लाई कितना होता है 20, और 8 और 3 का मल्टीप्लाई होता है 24। इसमें से जो छोटी होगी वही छोटी फ्रैक्शन होगी, छोटी यहाँ पर 20 है, इसका मतलब 5/8 छोटा हो गया। अब छोटी संख्या से ये तो गॉन हो गया, ये इसको गायब करा देना, इस छोटी संख्या से फिर दूसरे को अब कंपेयर करेंगे, तो 5/8 को अगर हम 13/16 से कंपेयर करें तो इस फिर का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 पंचे 80, इसमें पहाड़े याद करना बहुत जरूरी है, और कैलकुलेशन पावर जो गुना भाग है वो आपको बहुत अच्छे रखने पड़ेंगे, तभी आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो 16 पंचे 80 कर दिया, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होता है 104। तो हमें ये पता है कि 80 छोटा है 104 से, इसका मतलब फिर यह संख्या छोटा हो गया, किससे, 13/16 से, यानी फिर यह छोटा है, यानी इसकी भी काम खत्म, ये बड़ी हो गई इससे। अब बारी आ रही है 7/12 का, यानी 5/8 को 7/12 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 पंचे 60 और 8 सते 56, अब ये छोटा हो गया, यानी 56 छोटा हो गया किससे, 60 से, इसका मतलब ये छोटा हो गया, ये तो ऑलरेडी छोटा छोटा लेके चल रहे थे अभी तक, उससे दो बड़ी संख्या हो गई थी, ये 7/12 जो हो गया ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी 7/12 किस ऑप्शन में है, डी में है। इस तरह से ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया कि साइन थीटा बराबर लिखा गया 15/17, देन पूछ रहा है कि कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, कॉट थीटा का मान कैसे करेंगे। चलिए साइन थीटा बराबर 15/17 दिया, इसको पी बाई एच कर देते हैं, तो जो आपका बी हो जाएगा ये 8 हो गया, कॉट थीटा होता है बी बाई पी, यानी ये हो जाएगा 8 और पी हो गया आपका 15, 8/15 करेक्ट आंसर, यानी कि सी, और सी है ऑप्शन सेकेंड 2 में, यानी कि ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हम लोगों ने इसको बनाया, अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, अभी कैसे आएंगे देखिए। सबसे पहले साइन थीटा बराबर कितना लिखा गया यहाँ, 15/17, 15/17 दे दिया, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब परपेंडिकुलर अगर 15 है तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पर 17 होगा, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 8, 15 और 17, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी पाइथागोरस त्रिक, यानी 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है यहाँ 225, जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये होता है 289, जो कि ये हो जाता है 17 का स्क्वायर, यानी कि दो इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर हो गया 17 का स्क्वायर, इसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी त्रिक।
तो अगर यहां परपेंडिकुलर 15 है और हाइपोटेनियस 17 है तो बी जो है डेफिनेटली इसमें 8 होगा, और 8 हो गया तो कॉट थीटा का वैल्यू जो होता है वो बी बाई पी होता है, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस यहां पर 8 हो गया और परपेंडिकुलर यहां पर 15 हो गया। तो इस प्रकार से 8/15 इसका करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी है ऑप्शन सेकेंड में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया इफ एंगल एम एंड एन मेजर्स 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, साइन एम मल्टीप्लाई कॉट एन का वैल्यू क्या है, ये हमें पूछ रहा है। साइन एम और कॉट एम, और एम बराबर दिया 60 और एन बराबर दिया 30। चलिए इसको बनाना कैसे है, तो चलिए शुरू करते हैं। साइन 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2, और कॉट 30, कॉट 30 का मतलब कितना होता है, ये होता है कॉट 30 का मतलब √3, यानी कि 3/2, 3/2 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी सी, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हम लोगों ने इस पर सॉल्व किया, कैसे इसको बनाया, अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे देखिए यहां बोला एम है 60, एन है 30, तो बोला कि साइन एम, साइन एम का मतलब यहां पर हो गया साइन 60 मल्टीप्लाई कॉट एन, कॉट एन का मतलब हुआ कॉट 30, तो साइन 60 डिग्री का मतलब होता है √3/2, और जैसे कि यहां पर टेन 30 होता है 1/√3, तो उसी तरह कॉट 30 हो जाएगा उसका उल्टा, यानी ये हो जाएगा √3। इसका मतलब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू होता है 3 और बाई में है 2, तो 3/2 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन, और सी है 1 वाले ऑप्शन में, यानी 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया कि इफ ए माइनस बी बराबर 5 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 97 है, तो पूछा है कि ए और बी का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए इसको बनाते हैं, हम लोग कैसे बनाएंगे। a माइनस बी बराबर 5, इसका मतलब हो गया 9 - 4 = 5, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, दोनों हो गया 97। तो पूछा ए बी, इसका मतलब 9 × 4, ये हो गया 36, 36 है ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे हमने कैसे बनाया उस पर आ जाते हैं, चर्चा करते हैं। क्वेश्चन ये बोला कि a माइनस बी बराबर 5 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 97 है, तो पूछा कि ए बी क्या होगा। तो अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा दो संख्या है जिसको अगर हम माइनस करें तो 5 हो जाए और स्क्वायर करके सम करें तो वह 97 हो जाए। तो देखिए 9 में से 4 माइनस करते हैं तो ये होता है 5, 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 81 प्लस 16 ऐड करके हमने 97 लाया, यानी दूसरा कंडीशन फुलफिल हो गया और पहला कंडीशन ऑलरेडी पहले से फुलफिल है। इसका मतलब ए का वैल्यू 9 और बी का वैल्यू यहां पर 4 लेना पड़ेगा। पूछा कि ए और बी क्या है, तो ए और बी, ए का मतलब है 9, बी का मतलब है 4, इसका मतलब 9 4 का मल्टीप्लीकेशन हो गया 36, देयरफॉर 36 इज द करेक्ट आंसर, 36 बिलोंग्स टू दिस ऑप्शन सी। ऑप्शन सी किसमें है, ऑप्शन 2 में है, देयरफॉर ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा कि 4x - 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये होगा 16x² सचों का 28 × 56x और प्लस 49, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ये, यानी ऑप्शन डी है ऑप्शन 3 में, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कभी भी अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर आपसे पूछे जाते हैं, जैसे 4x - 7 का स्क्वायर पूछ लिया यहाँ पर, तो इसका मतलब ए की जगह पर है आपका यहाँ 4x और बी की जगह पर है यहाँ 7, तो ए माइनस बी का जो स्क्वायर होता है यह होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ ए की जगह पर है 4x, तो 4x का स्क्वायर माइनस 2 × 4x और b की जगह पर है 7 और प्लस 7 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी 16x² सचों का 28 × 56x और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी ये करेक्ट आंसर होगा, तो 16, 56 और 49, तो ऑप्शन डी में है, और ऑप्शन डी है ऑप्शन 3 में, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा कि एक आयत का क्षेत्रफल है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 448, यानी 448 वर्ग मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर है। अब इसमें बोला कि जो लेंथ है वो ब्रिथ का, चौड़ाई का 12% ज्यादा है,
मोर है. देयरफोर व्हाट इज द ब्रेथ, मतलब उसकी चौड़ाई पूछ रहा है कि कितनी है. तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे, इस पर आ जाइए. तो b बराबर x माना तो l बराबर होगा 112x. तो दोनों का जो क्षेत्रफल हो गया ये इतना हो जाएगा, इससे कट गया 4. देयरफोर x बराबर हो गया 20. 20 का मतलब ये है, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. बनाएंगे कैसे इसको, ये समझिए कि b बराबर यहाँ पर x मान लिया हमने. क्यों माना, क्योंकि हमें चौड़ाई पूछा जा रहा था. उसके बाद लंबाई हमें पूछा जा रहा था कि वो कितना है. तो लंबाई है 12% अधिक, इसका मतलब अगर 100% अगर चौड़ाई है तो लंबाई होगा 112%, मतलब 112%. तो हमने इसको 112%, तो बाई में 100 और मल्टीप्लाई एक्स यहाँ पर मान लिया इसको. अब उसके बाद जो इसको 112% मान लिया, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फिर से 112/100. अब उसके बाद, अब लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो लंबाई हो गया 112x/100 और मल्टीप्लाई एक्स और इज इक्वल टू कर दिया क्षेत्रफल 448. तो 112 को 4 टाइम काटेंगे तो 448. इसको जो हमने डायरेक्ट लिखा, ये कैलकुलेशन आपको तेज होना चाहिए. देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x और x को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर. उसके बाद 4 जो है ये 2 का, या मान लीजिए कि 4 को अगर हम 100 से गुना कर दे तो ये होता है 400. 400 होता है यह 20 का स्क्वायर. तो इस प्रकार से स्क्वायर अगर हटाते हैं तो x का वैल्यू होता है 20, यानी और x किसको मान रहे थे हम, ये चौड़ाई यानी b को मान रहे थे, और चौड़ाई यानी कि वृद्ध ही पूछा जा रहा था. तो इस प्रकार से ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया, फाइंड द नंबर 6 टाइम्स ऑफ व्हिच इज लेस देन 60/6. तो बोला गया कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है. तो इसको कैसे बनाएंगे, 60 से 6 कम का मतलब हुआ 54, और 6 गुना बोल दिया है तो 54 का 6 गुना, यानी 54 जो है किसका 6 गुना है, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए यानी 9, यानी 9 आंसर होगा. ये 9 है डी में, डी है दूसरा ऑप्शन, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो ऐसे क्वेश्चन को आप बनाएंगे कैसे ये समझिए. पहले ही क्वेश्चन को देखते ही समझ लीजिए कि बोला कि एक संख्या है जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है. तो सबसे पहले 60 में से ही 6 को माइनस कर दीजिए तो कितना बच गया, 54. और ये जो 54 है ये 6 गुना है, तो कौन से संख्या का 6 गुना होगा, तो 54 में ही 6 से हम डिवाइड कर देंगे. इसका मतलब 9, 9 6 के 54, इसका मतलब 9 इसका करेक्ट आंसर होगा. और 9 है ऑप्शन डी में, और ऑप्शन डी है ऑप्शन सेकंड में. इस तरह ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 16, 20 एंड 24. यानी इन सबका लघुत्तम समावर्त्य निकालने के लिए बोला जा रहा है. तो चलिए सबसे पहले लघुत्तम समावर्त्य कैसे निकालते हैं. 12, 16, 20, 24. डायरेक्ट 4 से लगा दीजिए, 4 तीय 12, 4 चौका 16, 4 पंच 20, 4 छका 24. 2 से लगा देंगे 3, 2, 5, 3. 3 से लगा देंगे 1, 2, 5 और 1. 5 गुना 10, 4 तीय 12, 8 तीय 24. यानी कि 240, 240 का ऑप्शन सी यानी ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इस प्रकार से देखिए इसको बनाना कैसे है. 12, 16, 20 और 24 इसका हमें एलसीएम निकालने के लिए बोला गया. तो जब दो सब में जो कॉमन है डायरेक्ट कॉमन ही कर लीजिए ताकि कैलकुलेशन आपका छोटा हो जाए. तो 4 एक ऐसा संख्या है जो सब में छोटा है, सब में मतलब कॉमन है, 12 में, 16 में, 20 में और 24 में. तो 4 कॉमन, 4 तीय 12, 4 चौके 16, 4 पंच 20, 4 छः 24, सब में हमने कॉमन कर लिया. अब 3, 4, 5, 6 में 2 कॉमन पहले कर लेते हैं क्योंकि दो संख्या में ये कॉमन है. तो 2 कॉमन किया तो 3, 2, 5, 3. अब 3 यहां पर दो बार आया, फिर यहां पर 3 कॉमन करेंगे तो 1, 2, 5, 1. तो 4 दुना 8, 8 त्रिक 24 और यहां 5 दुना 10 होता है यानी 10. 24 पर 10 का मतलब होता है 240. इसका मतलब एलसीएम इसका 240 होगा, जो कि 240 ऑप्शन सी में है और ऑप्शन सी यहां ऑप्शन थर्ड में है, यानी ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया, ए बॉक्स ऑफ 20 आइटम्स वॉज बॉट फॉर RS 6400 आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 20%. मतलब डिस्काउंट देने के बाद 20% डिस्काउंट देने के बाद 6400 में खरीदा गया. फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इच आइटम, यानी प्रत्येक आइटम में कितना खर्च लगा वो आपको बताना है. तो चलिए सबसे पहले इसको बनाते हैं हम लोग.
20 आइटम का कॉस्ट है 6400, तो एक आइटम का कॉस्ट होगा 32 यानी कि 320, और 20% डिस्काउंट दिया गया, इसका मतलब 80% हुआ 320, तो 8 चौका 32 यानी 4, और 100% का मतलब हो गया 400, इसका मतलब ऑप्शन सी, और सी वाला है ऑप्शन फर्स्ट में, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग बनाएंगे कैसे ये समझिए। क्वेश्चन ये बोला गया कि 20 वस्तुओं का टोटल खरीद मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस वह है 6400, तो इसका मतलब एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 20 से हम डिवाइड कर देंगे 6400 में, तो ये होता है 32 × 64 यानी 32/10 यानी 320 रुपया, एक वस्तु का कीमत हो गया 320, लेकिन ये वस्तु 20% डिस्काउंट पर खरीदा गया है, इसका मतलब कि 20% उसको छूट दे दिया गया, तो 100 रुपया का सामान 80 रुपया में बेच दिया गया, इसका मतलब 80% ही 320 है, तो 1% कितना होगा 8 चौका 32 यानी 4 रुपया हो गया, तो 100% कितना होगा, ये होगा 400, यानी ये पूछ रहा था कि प्रत्येक वस्तु की मूल कीमत क्या है, यानी एक वस्तु की, तो एक वस्तु की मूल कीमत हो गई 400 रुपए, यानी 400 रुपए का मतलब हो गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है ऑप्शन फर्स्ट में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया, ए मैन स्टार्ट वॉकिंग एट 6:30 AM एंड वांट्स टू कवर हिज डिस्टेंस 30 किलोमीटर, वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। ही इनिशियली स्पीड इज 6 किलोमीटर/आवर एंड आफ्टर कवरिंग 3/5, यानी शुरू में वो 6 किलोमीटर/घंटे की स्पीड से चल रहा था, और 3/5 डिस्टेंस करने के बाद वो अपना डिस्टेंस 2 किलोमीटर/आवर रिड्यूस कर देता है, यानी कम कर देता है, तो बोलता है कि वह अपना जर्नी, एट वॉट टाइम विल ही कम्प्लीट हिज वॉक, वह अपना जो चाल है यानी जो चल रहा है वो कब समाप्त करेगा, इस पर हमें बताना है। तो सबसे पहले आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3/5 of 30 यानी ये 6 कटेगा यानी 18, तो 18/3 6 है यानी 3, उसके बाद बच रहा है यहाँ पर 12, 12 को 4 से करेंगे तो 3 हो गया 6 यानी 12.5 यानी बी ऑप्शन सेकंड, यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कैसे बना क्वेश्चन, तो इस पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले बोला क्वेश्चन कि यह अपना 3/5 भाग दूरी तय करता है, तो 3/5 भाग दूरी किसका, 30 किलोमीटर का, तो इससे यह 6 टाइम्स कटेगा, तो इसका मतलब 6×5 30, तो 6×3 18 यानी 18 किलोमीटर का दूरी वह 6 किलोमीटर/घंटे की स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब इसको 3 घंटा का समय लगेगा। अब उसके बाद बाकी का डिस्टेंस अब बचा 12 किलोमीटर, 30 में से 18 घटा देंगे तो 12 किलोमीटर, और उसका अपना स्पीड भी अब 2 किलोमीटर घट गया, यानी पहले अगर 6 किलोमीटर था तो अब वह 4 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब अब 4 किलोमीटर की स्पीड से अगर हम डिस्टेंस 12 में डिवाइड करते हैं तो टाइम आता है फिर 3 घंटा, यानी टोटल टाइम उसको लग जाएगा 3+3 यानी टोटल 6 आवर्स, 6 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद 6 बजे सुबह से लेकर के 6 बजे उसमें अगर 6 घंटा और ऐड कर देते हैं तो वह दोपहर में 12:30 बजे अपराह्न में वो क्या होगा, वो जर्नी अपना पूरा कर लेगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, और ऑप्शन बी यहां पर है ऑप्शन सेकंड में, यानी ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, इन ए फॉर्म देयर आर गोट्स एंड पिकॉक्स इफ द नंबर ऑफ हैंड्स इज 60, मतलब उसके जो हेड्स है, नंबर ऑफ हेड्स इज 60, मतलब उसको सिरों की संख्या है 60, एंड द नंबर ऑफ फीट इज 170, और पैरों की संख्या है 170, तो बोलता है नंबर ऑफ गोट्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ गोट्स, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे, 170 का आधा कर लेते हैं यानी कि 85, इसमें से हम 60 घटा लेते हैं यानी 25, यानी 25 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी है ऑप्शन फर्स्ट में, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हम लोग इसको सॉल्व किया, हम लोगों ने क्वेश्चन इसमें क्या कर देंगे कि जब कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो एक चौपाया जानवर और एक दो पैर वाला जानवर, यानी जानवर या पक्षी जो भी हो उसकी चर्चा करेगा, तो बकरी जो हो गया गोट, इसके 4 पैर होते हैं, मोर यानी पिकॉक इसके 2 पैर होते हैं, तो अब इसमें क्वेश्चन लास्ट में पूछा है बकरियों की संख्या क्या है, यानी कि 4 पैरों वाले जानवर की संख्या पूछा है आपसे, तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो जो टोटल पैरों की संख्या है उसको पहले आधा कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा यह 85, और उसमें से सिरों की संख्या माइनस कर लेते हैं तो वह आता है 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। कैसे, इसको थ्योरेटिकली आप समझ लीजिए,
कि अगर गोट को जी से डिनोट करें तो इसके चार पैर होते हैं, और पिकॉक को पी से डिनोट करें तो इसको दो पैर होते हैं, तो टोटल है 170। दो से हम डिवाइड कर देते हैं तो इसका मतलब दो बार गोट बराबर एक बार पी बराबर हो गया या 85। उसके बाद दोनों को तो एक एक सर होगा, दोनों को सिरों की संख्या यानी गोट प्लस पिकॉक बराबर हो गया या 60। अब माइनस कर लेते हैं तो पी से पी कट गया, 2g में से g घट गया तो अब ये g, और 85 में से 60 घट गया तो यह 25, यानी गोट की संख्या यानी बकरियों की संख्या हो जाएगी 25, यानी कि ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी है ऑप्शन फर्स्ट में, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द रेडियस आर ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय एक्स यूनिट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स बाय विच द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इंक्रीज्ड। मतलब इसमें ये क्वेश्चन बोला कि पहले रेडियस आर था, अब उसमें पूछा कि उसका अगर रेडियस एक्स इंक्रीज कर गया तो अब उसका सर्कमफेरेंस कितना बढ़ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, तो सर्कमफेरेंस बराबर होगा 2πr इंटू आर प्लस एक्स बराबर, इसको हम लिखेंगे 2πr प्लस 2πx, यानी 2πx यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है ऑप्शन फोर में, इसका मतलब ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, तो सबसे पहले देखते हैं कि पहले रेडियस अगर r था तो r रेडियस होने के सेंस में उसका सर्कमफेरेंस कितना होता, यह होता 2πr। क्वेश्चन बोला कि अगर x यूनिट बढ़ा दिया गया रेडियस को, तो इसलिए रेडियस में हमने x को जोड़ दिया यहां पर, तो अब जो सर्कमफेरेंस होगा 2πr इंटू r, 2πr, तो r की जगह होगा अब r प्लस एक्स, तो मल्टीप्लाई किया तो 2πr प्लस 2πx, तो 2πr तो पहले वाला था जो हमने बताया यहां पर r के हिसाब से, बढ़ा कितना 2πx, यानी जो बढ़ा, जो रेडियस बढ़ गया उसी के अकॉर्डिंग 2π उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही उसका परिधि बढ़ जाएगा, यानी 2πx यानी ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी है ऑप्शन फोर में, यानी ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया, एन इन्वेस्टेड 20,000 इन ए बिजनेस, एन जो है वो 20,000 रुपया किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, 6 मंथ लेटर 6 महीने बाद सी ज्वाइंट हिम विद आर एस 10,000, सी उस बिजनेस में 10,000 रुपए के साथ ज्वाइन कर लिया, एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट वाज 10,000, फिर साल के अंत में उनका जो लाभांश था यानी लाभ जो प्रॉफिट जिसे बोलते हैं ये 10,000 था, व्हाट शुड बी द शेयर ऑफ एन, तो एन का शेयर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 12 दुना 24 और अनुपात ये हो जाएगा 6, यानी 6 चौका 24 यानी 4:1, तो 5 यूनिट हो गया यहाँ पर 10,000, तो एक पूछ रहा है 4 यूनिट, तो ये हो गया आपका 8,000, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे बना ये क्वेश्चन ये समझिए, पार्टनरशिप वाला जो क्वेश्चन जो आएगा इसमें बोला कि एन के बारे में कि 20,000 रुपया इसने इन्वेस्ट किया, और आगे कुछ भी नहीं बोला है एन के बारे में, सी के बारे में बोला कि 6 महीना खत्म हो जाने के बाद वो फिर वापस मतलब वो बिजनेस में शामिल होता है, तो जिस रेशियो में कोई भी लोग पैसा लगाएगा उसी रेशियो में उसको रिटर्न भी यानी लाभांश भी मिलना चाहिए, तो अगर यह 20,000 लगाता है यानी 2/4 0, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो 12 महीने का जो कैलकुलेशन होगा इसका पैसा, तो 12 × 24/4 0, और उसके बाद जो दूसरा आदमी है सी वो 10,000 रुपये लेके आता है 6 महीने बाद आता है, यानी कि बाकी का 6 महीने के लिए यह 10,000 लगाएगा, यानी 6 से इसको 10,000 को गुना करेंगे यानी 60,000, तो 60 × 6 = 24 यानी 4:1 में ये कटेगा, यानी ये रेशियो होगा 4:1 का, अगर यह 4 रुपया लगा रहा है तो सी उसमें 1 रुपया लगा रहा है, तो दोनों का जो टोटल हो गया वो 5 यूनिट हुआ, और लाभांश यहां पर बोल रहा है कि 10,000 हुआ, इसका मतलब 5 यूनिट बराबर यहां पर अगर 10,000 है तो 1 यूनिट 2,000 होगा, तो 4 यूनिट यहां पर 8,000 हो जाएगा, यानी अब 4 यूनिट किसका भाग है, यह है एन का भाग, यानी कि एन को कितना पैसा मिलेगा इसमें 8,000 रुपया मिलेगा, यानी ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी है यहाँ ऑप्शन फर्स्ट में, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ W इज टू 0.80 प्रोपोर्शनल 9.6 देन W इज इक्वल टू व्हाट, यानी W का मान पूछ रहा है, तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, फर्स्ट और मल्टीप्लाई ये, तो इसको करेंगे W मल्टीप्लाई 6 बराबर 9 × 80/100, 2 से कटेगा ये 3 से कटेगा 2 से ये कटेगा,
तो यह कटेगा 4 यानी 40, तो इसका मतलब W बराबर हो गया 1.2 यानी D, D का मतलब हो गया यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, यानी ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हम लोगों ने बनाया, जब कभी भी रेशियो में जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो, तो इसका मतलब होता है पहला मल्टीप्लाई चौथा, यानी फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई देयर फोर्स इज इक्वल टू होगा सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लाई। इसका मतलब ए डी बराबर ये हमेशा बी सी होता है। रूल के अकॉर्डिंग जब हम लोग चलते हैं तो यहां पर W मल्टीप्लाई 6, इसको फिर से लिख लेते हैं, W मल्टीप्लाई 6 बराबर ये लिखा जाएगा 9 मल्टीप्लाई 0.80 को हम 80/100 लिख लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 से ये कट गया तो ये 40, 10 से 10 कट गया। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 12/10, यानी कि 12 में अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.2, यानी W का वैल्यू आ गया 1.2, जो कि ऑप्शन फोर्थ में है यानी डी ऑप्शन में है, और डी ऑप्शन यहाँ 3 ऑप्शन में है, यानी कि 3 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें एक चार्ट दे दिया गया, चार्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे ट्रांसपोर्ट दिख रहे हैं आपको कि इसमें ट्रांसपोर्ट है जो सभी लोग, जो तीन शहर है वी के और इस तीनों शहर में जाने के लिए यूज करते हैं, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के बारे में बोला द नंबर ऑफ पीपल वांटिंग टू ट्रेवल बाय ट्रेन एंड बस, यानी ट्रेन और बस से जो ट्रेवल करने वाले लोग हैं इज हाउ मच मोर और लेस, यानी कितना ज्यादा या कम हो सकता है देन दोज वांटिंग टू ट्रेवल बाय टैक्सी एंड ओन कार, यानी जो टैक्सी और ओन कार से जो यात्रा करने वाले लोग हैं उनसे ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या कितना कम या ज्यादा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। ट्रेन का जो है ये हो जाएगा 410, ये हो गया आपका 400, बस का हो गया यहाँ पर 375 और टैक्सी का हो गया यहाँ पर 405। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 785 और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 805, इन दोनों का अंतर हो गया 20, यानी यहाँ पर कितना कम हो गया, 20 कम हो गया, यानी ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी किस में है, ऑप्शन 3 में है, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको हम बनाए कैसे, सबसे पहले बोला कि ट्रेन और बस में यात्रा करने वाले लोग, तो ट्रेन में यात्रा करने वाले 145 और 155 मिलकर के हो गया 300 और एक 410। यहाँ पर ओन कार जो निजी कार, पहले ट्रेन बोला तो चलिए ट्रेन पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर ट्रेन ट्रेन तो लिख दिया, अब आ जाते हैं बस, बस पे आ जाते हैं तो बस में 100+100 यानी 200 और 375, तो 375 यहाँ लिख दिया। उसके बाद बोला जा रहा है कि टैक्सी, तो टैक्सी पर आ जाते हैं, तो टैक्सी में 155 150 मिलकर के हो गया 305, ये हो गया 400 यानी 405। उसके बाद अब निजी कार की बात हो रही है, यानी निजी कार तो ये हो गया 125 प्लस 175 मिलकर के हो गया 300 और प्लस 100 यानी कि 400। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि बस और ट्रेन की बात किया तो ये दोनों मिलकर के 785 होता है, यानी 785 बस ट्रेन द्वारा यूज करते हैं, और टैक्सी और निजी कार द्वारा 405 और 400 यानी कि 805 लोग। तो इसका मतलब बस ट्रेन वाले लोग कितने कम है, ये कम है, 20 कम है, क्योंकि 805 में से जब 785 घटाते हैं तो 20 आता है, यानी 20 कम है, और 20 है ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी होगा ऑप्शन 3, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा द डिफरेंस बिटवीन द पीपल हु प्रेफर टैक्सी टू ओन कार इज, मतलब कि टैक्सी और ओन कार में चढ़ने वाले लोग हैं उनके बीच का अंतर पूछ रहा है। तो ओन कार, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। निजी कार का मतलब ये हो गया टोटल 400 और टैक्सी का मतलब हो गया 405, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, यह है 5, यानी 5 हो गया ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। मतलब क्वेश्चन इसमें पूछा क्या था कि अपनी कार की अपेक्षा टैक्सी से सफर करने वाले यानी पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या के मध्य अंतर कितना है। तो अपनी कार मतलब ओन कार, यानी कि 400 लोग, 125 और 175 और प्लस 100 400 लोग, और टैक्सी, टैक्सी का मतलब 155 और 150 305 और 100 405, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5, यानी 5 लोग अंतर है, यानी 5 का अंतर है, जो कि ऑप्शन थर्ड में होगा, ए वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा व्हाट इज द मोस्ट प्रेफर्ड मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट, मतलब कौन सा परिवहन सर्वाधिक पसंदीदा है।
सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे. इन सबको जोड़ा था हमने पिछली बार तो 410 आया था, इसको जोड़ा था तो ये 400 आया था, इसको जोड़ा था तो 375 आया था, इन सबको जोड़ा तो 300, ये जोड़ा तो 305, और इसको अगर जोड़ दिया तो ये निकलता है 415. तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 415, यानी साइकिल सबसे ज्यादा यूज होता है, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. मतलब जो सबको पीछे ही हमने क्वेश्चन में जोड़ा है 410, 400, फिर इसका हो गया 375, फिर 300, फिर इसके बाद 305, लेकिन साइकिल में 150 प्लस 150 300 और 115, यानी 415 सबसे ज्यादा यहाँ पर लोग साइकिल से चलना पसंद करेंगे, यानी साइकिल मोस्ट प्रेफरेबल है. इसका मतलब कि सी ऑप्शन फर्स्ट में है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा.